मैं ग्रहों की गणना करता हूँ, ग्रहों और भविष्य की भविष्यवाणी, पर आप एक महान आत्मा हैं जो योग शक्ति के साथ भविष्य को देख सकते हैं। क्या आपको मेरी समस्या का कोई समाधान दिख रहा है क्या गुरुजी? हम मौत को तो नहीं रोक सकते, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम खतरे के स्रोत का अगर पता लगा लें तो सतर्क होकर हम मृत्यु आने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं। मृत्यु पहले भी आ चुकी है, वो आपके बेटे के बहुत पास से आकर निकल गई। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। शाम के समय दक्षिण की ओर वाहन के रूप में चला। चलो मेरे को भी एक मामी मिली गई। मैं मौत की आवाज सुन सकता हूँ। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। मैं ब्रेक नहीं लगाता ना तो क्या होता? चाहे रोड हो या बेड हो, तुम्हारी तरह स्पीड कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ मैं। भाई लगता है उसके मामा और मामी शॉपिंग करने के लिए शहर गए। शॉपिंग के लिए नहीं गए हैं, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस के लिए गए हैं। सही कहा भाई। और भला भाई, भाई लगता है उसे बेवजह पंगा ले लिया, वो हमारे पीछा कर रहा है। उसे करने दे, हम उसके हाथ नहीं आने वाले। तेज चला साहब, आप बैठिए, मैं पंचर बता देता। अरे रे, ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, चिंता मत करो। मामा जी, आपके हाथ में ये पट्टी क्यों बंधी है? ये सब मेरी वजह से हुआ। जीप से कंट्रोल छूट गया और मामा जी का एक्सीडेंट। टायर पंक्चर हो गया था। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो कंट्रोल छूट जाता है। हारिका, इसके लिए गर्म पानी निकालो, जाओ तुम जाके नहा लो। जा ना। नंबूदरी सर ने हमें आगाह किया है एक वाहन के खतरे के बारे में और तुम समझते ही नहीं हो। और ये हुआ, लगता है कोई बड़ा खतरा तुम्हारे रास्ते में है। हां, वो पहले से परेशान है और ये सुनेगा तो और बुरा लगेगा उसे। मेरी बात तो सुन। ऐसा कुछ नहीं है, पहले पापा को भविष्यवाणी करने से रोको। वो हम सबको डरा रहे कुंडली उंडली के नाम पर।